उत्तर मुंबई लोकसभा सीट पर भाजपा के हैवीवेट उम्मीदवार गोपाल शेट्टी की राह इस बार आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जहां पर बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को कांटे का टक्कर बना दिया है, तो वहीं दूसरी ओर मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र भर में अपनी धाक जमाने वाली मराठा क्रांति मोर्चा समर्पित युवा उम्मीदवार अमोल जाधव राव ने भी अपनी ताल ठोक दी है। गोपाल शेट्टी ने जिस तरह से अपने 5 साल में विरोधियों की संख्या में इजाफा किया, उससे एक बात साफ हो गई है कि अब सबके सब चुनावी मैदान में उतरकर गोपाल शेट्टी से बदला लेने के मूड में हैं। तो अपना नामांकन दाखिल करने गए अमोल जाधव राव ने मीडिया से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उम्मीदवार उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के अमोल जाधव राव ने क्या कुछ कहा। मुझे हंसने वाली ये बात है कि गोपाल शेट्टी ये जो MP है वो लोगों में जाके आप उनका सर्च करेंगे या उनके बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने आज तक MP होने के नाते क्या काम किया हुआ है। लोगों को आज तक भी मालूम नहीं कि हमारा MP क्या काम करता है, वो सिर्फ टॉयलेट्स और इसके उद्घाटन में बिजी रहता है या उसी काम में लगा रहता है, लेकिन जो एक लोक प्रतिनिधि का काम होता है वो किस तरह से करना चाहिए उसको आज भी पता नहीं है। और रही बात उर्मिला की, तो हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग को बड़ा वहाँ पे लक्ष्य है, क्योंकि हमारा जो मराठा क्रांति मोर्चा का जो समाज है वहाँ पे 2.5 से 3 लाख समाज जो है वो मराठा क्रांति मोर्चा का है, मराठा समाज है। और भी कई सारी कम्युनिटी हमारे साथ में है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे हमारे साथ में, दलित कम्युनिटी है और वैसे भी छोटी छोटी संगठना जो है उन्होंने हम लोग को पाटिंबा दिया हुआ है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग आगे काम कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग को किसी को टारगेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आज जिसको अभी देखने के लिए मिला ही रहेगा। जिस तरह से बीजेपी सरकार ने मराठा समाज को आश्वासन दिया था आप क्या कमी रहेगी कि आप उनके खिलाफ खड़ा हो? बीजेपी सरकार ने आज तक एक भी कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं की हुई है। कोपरडी हत्याकांड जो हुआ उसका भी रीज़न था, उसके बाद में जो भी मराठा मोर्चा की मांग थी उसमें शेतकरी किसान लोगों का जो प्रोग्राम था उसके लिए अलग अलग मोर्चे निकले थे, और जो 9 जो हमारी मांगे थी, प्रमुख मांगे थी, वो आज तक ये बीजेपी सरकार ने पूरी नहीं की हुई है। हम लोग ने जनवरी में CM को एक लेटर दिया था कि आप एक जिम्मेदारी पदाधिकारी के नाते जो हमारी समाज की मांगे है वो पूरी करें, जो कोर्ट में है उसको छोड़ के उसके अलावा और भी कई सारे बातें उनके हाथ में थी, वो भी आप अगर कर रहे हैं तो मराठा समाज का आपको समर्थन रहेगा। अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो मराठा समाज आने वाले समय में अपना जो भी कैंडिडेट है वो चुनाव में उतारेगी, ये हम लोग ने उनको जनवरी में बताया था। आचार संहिता तक उनको टाइम पीरियड दिया था तो भी उन्होंने एक भी मांग पूरी नहीं की, ना ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया। इसके लिए आज हम लोग को रास्ते पे उतर के आंदोलन करना पड़ रहा है। जिस जगह से आप उम्मीदवार हैं वहाँ पे क्या समस्याएं हैं जो आप जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे, निपटाने की कोशिश करेंगे? वो तो मेरा मैनिफेस्टो का सब्जेक्ट है, अगर मैं अभी बता दूँ तो और भी कई पार्टियाँ हैं वो जो कॉपी कर लेगी, क्योंकि मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं लोगों में रहता हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, जो नॉर्मल पब्लिक है उस तरह से मैं उनका प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, ना कि मैं MP बन के AC गाड़ी में घूमना चाहता हूँ। जो आम पब्लिक है उनके साथ में मैं घूम के लोगों की समस्या क्या वो जानी है, और वो जो मैनिफेस्टो है वो मेरा मैनिफेस्टो आपको बहुत जल्द मिलेगा। मैंने एक बार आपको पहले ही बताया कि जो मराठा मोर्चा की जितने भी हमारे मांगे थी वो आज तक पूरी नहीं हुई है, वो आवाज़ इस संसद में दिल्ली में घूमना चाहिए, वो हमारा कोई भी एक प्रतिनिधि महाराष्ट्र का एक भी मराठा प्रतिनिधि वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा रहा है, उसके लिए मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जो लोकल समस्या है, बहुत सारी समस्या है वहाँ पे है, और एक लोक प्रतिनिधि का काम होता है जनता और सांसद के बीच में लोगों का जो दुआ रहता है वो दुआ रहता है एक लोक प्रतिनिधि, और वो लोक प्रतिनिधि आज भी लोगों का काम नहीं कर रहा है। लोगों को अगर लोक प्रतिनिधि से मिलना है तो उसको 15-15 दिन, 1-1 महीने तक उसको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और वो लोक प्रतिनिधि उनको मिलता नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। लोक प्रतिनिधि क्या होता है ये मैं चुन के आने के बाद में लोगों को बताऊँगा कि लोक प्रतिनिधि क्या होता है, और लोक प्रतिनिधि लोगों से चुन के आता है तो मुझे इतना आश्वासन है, इतना विश्वास है कि अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं मरते दम तक वहाँ के, अगर मैं चाहूँ कि मैं इस इलेक्शन में नहीं खड़ा रहूँ तो भी पब्लिक मुझे खड़ा करेगी, इतना अच्छा काम करके मैं दिखाऊँगा। हाँ, ये तो उन्होंने BJP को टारगेट करके बोला रहेगा, उससे उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं, हम जिस राह पे काम कर रहे हैं, मराठा समाज जब ये रास्ते पे उतर आया था, जब भी उन्होंने अपने आंदोलन किए थे उस टाइम पे मुस्लिम समाज, दलित समाज, क्रिश्चियन समाज, जितनी भी कम्युनिटी है सब लोगों ने मराठा मोर्चा को सपोर्ट किया था, और कहे दिल से उन्होंने सपोर्ट किया था।
तो ये सब लोगों में अलग अलग गलत फहमियां डालना और उसकी राजनीति करना ये उनका काम है, हम लोग उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। आप कुछ जनता को संबोधित करना चाहोगे? मैं जनता को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा, आप लोक प्रतिनिधि चुन रहे, लोक प्रतिनिधि क्या होता है, आपके बीच में आया हुआ एक चेहरा मेरे माध्यम से उनके सामने है, वो अगर मुझे चुनते हैं तो मैं आने वाले समय में उनको वो काम करके दिखाऊंगा जो वो चाहते हैं। बस मैं इतना ही उनको आह्वान करता हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लोक मराठा।